हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसटीएस विद्यापीठ। इन ऑनलाइन क्लासेस टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट मैथ एंड योर टॉपिक बिफोर बिटवीन आफ्टर। बिफोर मींस होता है बेटा पहले, बिफोर मींस पहले, बिटवीन मींस बीच में, आफ्टर मींस बाद में। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे थ्री फिगर्स बनाई हूँ। फर्स्ट फिगर क्या है आपका? सर्कल है। फर्स्ट फिगर क्या है आपका? सर्कल है, से हम गोला भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पिक्चर है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। ट्रायंगल मींस त्रिभुज। ओके स्टूडेंट्स, यह त्रिभुज का फिगर है ट्रायंगल। यह थर्ड पिक्चर जो है आपका स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यह स्क्वायर का फिगर है अर्थात वर्ग का फिगर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बेटा फर्स्ट फिगर आपका क्या है और क्या कह रहा है? आई एम बिफोर द ट्रायंगल, मैं त्रिभुज से पहले हूँ। क्या कह रहा है? मैं त्रिभुज से पहले हूँ। सर्कल कह रहा है मैं त्रिभुज से पहले हूँ। सेकेंड क्या है आपका पिक्चर? क्या कह रहा है? आई एम बिटवीन द सर्कल एंड द स्क्वायर, मैं वृत्त और सर्कल को हम वृत्त भी कहते हैं, वृत्त और वर्ग के बीच में हूं। मैं वृत्त अर्थात गोला, गोले और वर्ग के बीच में हूं। वृत्त और वर्ग के बीच में हूं। थर्ड पिक्चर क्या कह रहा था? आई एम आफ्टर द ट्रायंगल, मैं त्रिभुज के बाद में हूं। मैं त्रिभुज के बाद में हूं। ओके स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर के माध्यम से समझ में आ गया होगा। मैं इसे अब नंबर के माध्यम से बिफोर, बिटवीन और आफ्टर बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बेटा मैं आपको बिफोर बिटवीन, बिफोर बिटवीन आफ्टर इन तीनों को नंबर के माध्यम से, काउंटिंग के माध्यम से मैं बताऊंगी। तो काउंटिंग आप लोग को आता ही है। तो देखिए बेटा इसे हम कैसे करेंगे। यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं लिख रही हूँ। देखिए बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? काउंटिंग आना चाहिए। तो पहले हम काउंट करेंगे कि सेवन से पहले कौन सा नंबर आता है। तो यहाँ पे देखिए पहले हमें काउंट करके बता रही हूँ आपको। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सेवन से पहले क्या रहा आपका? सिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो सेवन से पहले कौन सा नंबर आ रहा? सिक्स। तो इसमें हम क्या फिल करेंगे? सिक्स। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पे देखिए एट है, तो एट से पहले क्या आएगा आपका? सेवन। एट से पहले क्या है आपका? सेवन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सेवन। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखेंगे हम ट्वेंटी टू लिखा हुआ है, ट्वेंटी टू। तो ट्वेंटी टू से पहले आपका क्या है? ट्वेंटी वन।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बेटा 22 से पहले क्या आ रहा है आपका 21। इसी तरह से हम काउंट करके देखेंगे सबसे पहले कौन सा आ रहा है, तो उसमें उसको हम उस नंबर को फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका 21, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 21। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे 24 है यहाँ पे, तो 24 से पहले कौन सा नंबर आएगा 23। कौन सा नंबर आ रहा है 23, 24 से पहले 23 आ रहा है, हम क्या लिखेंगे 23। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं आपके, अब इसमें हम देखेंगे 21 और 23 है। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, तो उसी संख्या को हम प्राप्त करने के लिए पहले हम काउंट करेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे हम देखें 21 22 23 23 है, तो 21 और 23 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है आपकी 22। यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे 22। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। ओके स्टूडेंट्स, अब 1 और 3 के बीच में कौन सी संख्या आती है आपको पता ही है, काउंटिंग में आता है 1 और 3, 1 और 3 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है आपकी 2। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो कौन सी संख्या आएगी आपका 7। कौन सी संख्या आएगी 7, 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है आपकी 7, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ लिखेंगे 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो 2 और 4 के बीच में, यहाँ पे देखिए 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या है आपकी 3, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3। ओके फ्रेंड्स, अब इसी तरह से हम देखेंगे आफ्टर, आफ्टर में क्या क्या कैसे लिखना है आपको, देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं लिखी हूँ, तो यहाँ देखिए 21 के बाद जस्ट आपका क्या है 22। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 22। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है 25, क्या है आपका 25, तो 25 से बाद कौन सी संख्या है आपकी देखेंगे, तो 26। 24 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 24 के बाद 20, यहाँ पे 24 है, 24 के बाद तुरंत क्या आ रहा है आपका 25, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 25। अब यहाँ पे 22 है, तो 22 के बाद कौन सी संख्या आएगी 23। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसी तरह से बिफोर, बिटवीन, आफ्टर अच्छे से कर लेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पुनः देखें। थैंक यू।